हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम सर। मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है। आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर, बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों, हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। हाँ, हो जाएगा। ए, कबूतरों की रेस से तुझे इस साल बैन किया था ना, फिर इधर क्या कर रहा है? चल वनटास की टैबलेट ले। रेस देखने आए, वो देखने पे भी बैन है क्या? ए, निकलना, चल रहे। देख देख, झकास पलटी मारी ना। ए बुढ़ाऊ, मस्त है ना? फर्स्ट क्लास था। ये क्या रे, इतनी जल्दी लैंड कर रहा है? इसको च्यवनप्राश नहीं खिलाया क्या? ए, वो आंटी कौन है? आप उनके कबूतरों को वटका रहे लिए पागल समझा क्या बे? मैं उस औरत को जानता तक नहीं। क्या भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप? ए मैडम, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं और कपड़े सुखाओ। ए, ये इसी की बीवी है? नहीं, नहीं। अपनी जोरू को ही पटाया, जीतने के लिए इतना गिर गया। शादी के बाद भी कोई बीवी को पटाता है क्या? ये तो इसी का माल है ना, 100% इसका ही है। ए बुढ़ाऊ, तू लिख किसने चीटिंग किया ला? ए बीवी के कंधे पे रख के कबूतर उड़ाता, तू क्या तेरे बच्चा? अभी ये लोग इधर क्या करने आए? हर बार की तरह कीड़ा करने आए होंगे और क्या। एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहा है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? ए, इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है। हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है उधर? पीछे हटिए। लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं भाई। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहां गुंडागर्दी होगी वहीं पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल इधर आ। अरे इधर आना, आजा 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 आजा, जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे, पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई मुझे कुछ नहीं बोला है। अरे जाने दे, मुझसे बात कर। आप अच्छे से जानता है इसको, बोलना बताना साहब को क्या कर रहा है। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। सर,
इस बात को दिल पे मत लीजिए, हम और कर भी कह सकते हैं, उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे सर, सिर्फ आप ही नहीं दूसरे पुलिस वाले भी एडजस्ट करते हैं। मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ। उसने मर्डर किया है और इसके लिए अगर मैं उसे लॉकअप में नहीं डाल सकता तो मेरी इस वर्दी का क्या फायदा? सर अफवाह के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां पर सच की आग जलती है। किसी ने तुम्हें इस बात की खबर दी और उसे किसी और ने दी होगी। अगर हम एक सिरे से इन अफवाहों की कड़ियों को जोड़ते जाएं तो दूसरे सिरे पर हमें सच जरूर मिलेगा। कल से हम यही करेंगे और हमारी ये खोज मारी पर आकर ही खत्म होगी। मम्मी, मम्मी, आपने कहा था ना मुझे नया स्कूल बैग दिलाओगे? यहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे नया बैग चाहिए? कुछ दिन पुराने वाले बैग से ही काम चला लो। बैग फट चुका है माँ, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं। शाम को आओगी ना तब सी दूंगी। जब देखो कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। कल अगर नया बैग नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। मुझे क्या है? मम्मी मम्मी प्लीज दे एक नया बैग प्लीज मम्मी। लाउड स्पीकर कविता, मेरा मूड ऑफ है तो सुबह सुबह मेरे मुंह मतलब कह देती हूँ। लो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद उड़ा दी और मूड ऑफ हो रहा है तेरा? तेरी तो आवाज भी कितनी भद्दी है। मम्मी मम्मी लगता है मेंढक निकल लिया हो। हट मम्मी, इसको कुछ बोलो ना, जब देखो तो चिढ़ाता रहता है। क्या कहे, वो एक नंबर का लफंगा है, उसके मुंह ही क्यों लगती है? सोच लो कि वो यहाँ है ही नहीं। तुमसे बात करना दीवार पर सिर फोड़ने जैसा है। फिर तू कौन सी कम है, उठते ही बच्चे के साथ बहस करने बैठ जाती है। बैग ही तो मांग रही है बेचारी, ला क्यों नहीं देती? अच्छा पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा आदमी दो दिन शराब नहीं पिएगा तो पैसे आ जाएंगे। तुझे इतनी पड़ी है ना तो तू ही लाके दे देना। अगर आप उनसे शादी कर ली होती तो जरूर ला देता, चांस मिस किया ना। बदतमीज। इमारी, क्या तुमको मालूम था कि 8 नंबर में कोई किरायेदार आने वाला है? नहीं, अपन को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब वो बिना परमिशन के अपन के एरिया में एंटर कर गए? अबे एमएफ हुसैन की औलादो, पेंटिंग रोको और उधर ही स्टेच्यू हो जाओ। बिना परमिशन के इधर पेंटिंग करने का नहीं, समझा गया? अब उनका कुछ इज्जत है कि नहीं इधर? मैडम आप बाहर जाओ, अबे तो स्टेच्यू है। अरे तुम खाली क्यों खड़े हो? ये लो घड़ी को दीवार पे टांग दो। क्या आंटी जी ने बोला टांग दो? तो एक काम कर, अंदर जाके चाय बना लेती। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू इधर हुल देने आया कि घड़ी टांगने आया? तेरी ये क्या किया, घड़ी क्यों तोड़ दी? ए आंटी, बिना परमिशन के इधर एंट्री मार के हमारी इज्जत का भाजीपाला कर डाला, ऊपर से हुल देती हो? ए कौन हो तुम लोग, क्यों शोर मचा रहे हो? शाने इस एरिया में रहने के लिए मारी भाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? अच्छा गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था, गुंडागर्दी तो इससे करते हैं। ये गुंडा और ये कर रही हूं। रुको, हमारे ब्रोकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये तो कह रहा है कि इसने बताया है। क्या? नहीं सर। ए कब बताया तुमने हमें? आप लोग को नहीं बताया था तो फिर? उनको बताया था। मर्द पे हाथ उठा दिया? मारी ब्रो, she is the only ladies। गैर मर्द को छूती है? तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्ती सी तोड़ देता। अरे देखो ऐसा मत करना, कल ही इसने दांतों में सीमेंट भरवाया है। तो फिर दो बार ब्रश करने का ना, इसमें अपन लोग की क्या गलती? अपन लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो हसीना, ब्रोकर ने तुम्हें बताया था क्या? हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ हम इन गुंडों को पैसे क्यों दे? कल जब मैं बुटीक खोलूंगी ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे। ओ, तो मदर डॉटर यहाँ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने वाले हैं? अरे जाहिल, ब्यूटी पार्लर नहीं बुटीक। माँ इन्हें कौन सा उन दोनों में फर्क पता होगा? मेरी बात सुनो। उंगली दिखा दी, नीचे कर नीचे कर, पुट डाउन। ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी, समझे? ए मैडम, तू ब्यूटी शॉप खोल या बुटीक शॉप खोल, चाहे तो इसको भी काम पे रख ले। तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन इन सबके लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? इसलिए आप उनको अपना कट दे दे, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन गारंटेड। प्रोटेक्शन? किससे प्रोटेक्शन? नहीं दिया तो क्या होगा? अरे कुछ भी हो सकता है, वो कांच टूट के भी कर सकता है। मेरा दहेज देखा ना,
वो अलमारी गिरकर टूट सकती है। बेटी का दहेज। भारी है मारी, कोई हल्का आइटम बोलो ना। ऐसा क्या, वो टीवी भी गिरकर टूट सकता है? नहीं नहीं, असंभव का क्लाइमेक्स है। सुनिए जी, दे दीजिए ना इन्हें जो चाहिए। ये लीजिए मेरा। ये तो घर का हुआ, अभी बुटकी का निकालो। बुटकी जो भी है, अंग्रेजी नाम का डबल अमाउंट। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, दे देंगे हम। चलो दिया टाइम। देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो पुलिस स्टेशन हम छोड़ देते हैं, अगली वसूली हमें वहीं से करनी है। मस्त कॉमेडी करती लड़की। भाई आप जैसे उस लड़की को देख रहे थे, ऐसे लग रहा था आप लव में गिर गए। भाई का लव, पहली बार किसी लड़की के कान के नीचे सुझाने का मन किया था, लेकिन लेडीज लोग को अपन इज्जत देता है इसलिए छोड़ दिया। लेकिन भाई मैंने करण शौर की फिल्मों में देखा है कि हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर, साला इस लड़की के प्यार में पड़ने से अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊं। फिर तो मेरा रास्ता साफ है। क्या बोला? रास्ता साफ है, आगे ट्रैफिक नहीं है। वो फूलन देवी जरूरत से ज्यादा ही उड़ती है, उसको कंट्रोल में रख।